हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की संस्कृत, जिसमें हम चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे। तो इसका पाठ का नाम है कुशलम पत्रम। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें एक मित्र को पत्र लिखा गया है, जिसमें गर्मी की छुट्टी के बाद कहीं पे जाने के लिए मतलब बात की गई है। पत्र के द्वारा पूछा गया है। तो मित्र भर अजय, यानी कि प्रिय मित्र अजय, सप्रेम नमस्ते। सप्रेम नमस्ते। बहुकालभ्य बीतम भवता संदेशम नाधिगतम, यानी कि बहुत समय बीत गया है और तुम्हारा कोई संदेश नहीं आया। अहम भगवता विश्वनाथस्य कृपया कुशली अस्मि, यानी कि मैं भगवान विश्वनाथ की कृपा से कुशल हूँ। तत्रापि कुशलम वक्षामि, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी क्या हो, कुशल हो। अस्माकं वार्षिकी परीक्षा सकुशलम निसंपन्ना, यानी कि हमारी जो वार्षिक परीक्षा है वह सकुशल संपन्न हो चुकी हैं। आधुना ग्रीष्म अवकाशे तवम कुत्र गमस्यसि, यानी कि गर्मियों की छुट्टी में तुम कहाँ पे जाओगे। अपि रोजते भवते कश्मीर यात्रा, क्या कश्मीर की यात्रा तुम्हें कैसी लगती है। उसके बाद लिखा है, तत्र खलु गरेभ्य निस्सरता जल प्रवाह निर्जराश्च अति रमणीया भवन्ति, यानी कि वहाँ पहाड़ों से निकलते जल प्रवाह और झरने बहुत सुंदर लगते हैं। कहाँ पे, कश्मीर में। द्राक्षा जम्बीर सेव नारंगम अक्षोट फलानाश बाहुल्यम वर्तते, यहाँ पे अंगूर जामुन सेव नारंगी अखरोट आदि फल बहुत अधिक उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं। तस्योत्तर श्याम दसी पर्वतराज हिमालय तिष्ठति, यानी कि इसकी उत्तर दिशा में क्या हिमालय पर्वत विद्यमान है। उसके बाद हिमच्छादी तानी तस्य शिखरानी नितराम मनोहरणी, यानी कि जिसकी बर्फ से ढकी चोटियां बहुत सुंदर हैं। अयम शैला भारतवर्ष श्यालंकारभूता पूर्वापर समुद्र पर्यंतम विस्तीर्णा, यानी कि इसका यह पर्वत भारत का आभूषण है दूसरी ओर, ठीक है। इसकी जो चोटियां बहुत सुंदर हैं। उसके बाद क्या लिखा है, यह पर्वत भारत का क्या है, आभूषण है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरी ओर विस्तृत समुद्र है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, दूसरी ओर क्या पूरब में क्या है, समुद्र स्थित है। तत्र औषध्या प्रस्त्रा उत्तमम काष्ठम रत्न प्रवतीनी बहु उपयोगिनी वस्तुनी मिलयंती, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ औषधि पत्थर उत्तम लकड़ी रत्न आदि बहुत उपयोगी वस्तुएं भी मिलती हैं। किम बहुना तत्र गमनेन अवयो महान ज्ञान लाभो भविष्यति, यानी कि अधिक क्या वहाँ जाने से हम दोनों को बहुत ज्ञान का लाभ होगा, मतलब कि हम दोनों वहाँ पे जाएंगे तो बहुत लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, तत्रो सित्वा स्वास्थ्यम अपि प्राप्स्याप कश्मीर यात्रा विषय यथा शीघ्रम भवनिश्चय सूचनिया, यानी कि स्वास्थ्य का लाभ भी प्राप्त होगा यदि हम कश्मीर की यात्रा पर जाएंगे, और हमें ज्ञान का लाभ भी प्राप्त होगा। उसके बाद कश्मीर यात्रा के विषय में जल्दी जल्द सूचना दीजिए, इति निवेदयति। उसके बाद कैसे दिए, ऐसा निवेदन है, मतलब कि जल्दी से जल्दी तुम मुझे सूचित करो। उसके बाद ये लिखा है, अभिन्न हृदय घनश्याम। घनश्याम ने इसमें किसको, मित्र अजय को पत्र लिखा है, ठीक है। इसकी हम शब्दार्थ पढ़ते हैं, वक्षामि वक्षामि यानी कि चाहता हूँ। उसके बाद लिखा है, समीचना समीचना यानी कि ठीक तरह। निर्सरंत यानी कि निकलते हुए। जम्बीर यानी कि नींबू। द्राक्षा यानी कि अंगूर। नारंगम यानी कि नारंगी। अक्षोट यानी कि अखरोट। दसी यानी कि दिशा में। शिखरानी यानी कि चोटियाँ। नत्राम यानी कि अत्यंत खूब। प्रस्तरा यानी कि पत्थर। रत्न प्रभतीनी यानी कि रत्न इत्यादि। उसके बाद हम इसके अभ्यास देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है, ठीक है। तो पहला क्या है, इसमें देखिए, तत्रापि वक्षामि।
तत्रापि क्या आ जाएगा इसमें, कुशलम, तत्रापि कुशलम बच्छामि, यानी कि आप भी कुशल होगे ऐसा वो चाहता था। ठीक है, तो पहले वाले का जवाब कुशलम। दूसरा देखिए, आधुना त्वम कुत्र गमिष्यसि, यानी कि आगे ग्रीष्मकाल के अवकाश यानी गर्मियों के अवकाश में तुम कहाँ जाओगे, तो इसमें ग्रीष्मकाल की बात की गई थी, तो इसका दूसरे का क्या हो जाएगा, ग्रीष्म अवकाशे। उसके बाद देखिए थर्ड वाला, अपि रोचत भवते यात्रा, यानी कि कहाँ की यात्रा करने की बात की गई थी इसमें, तो कश्मीर की, तो इसमें क्या जाएगा, कश्मीर। थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, कश्मीर। उसके बाद खाली सॉरी सही जोड़ी देखिए, सही जोड़ी पहले का क्या हो जाएगा, भगवत। फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, भगवत विश्वनाथस्य। उसके बाद क्या जाएगा, बहु उपयोगिनी। दूसरे का क्या हो जाएगा, वस्तुनी। थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, हिमाच्छादितानी, तो इसका क्या हो जाएगा, हिमाच्छादितानी का मतलब शिखरानी, यानी कि जो हिमालय की चोटियां किससे, बर्फ से ढकी थी। ठीक है, फिर पर्वतराज कौन है, हिमालय है। निस्सरणता, इसका क्या हो जाएगा, निस्सरणता का जल प्रवाह, मतलब निरंतर क्या बहते हैं, जल प्रवाह। वार्षिकी क्या होती है, परीक्षा, इसका वार्षिकी का क्या हो जाएगा, परीक्षा। उसके आगे हम देखते हैं, पाठ के उचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें हमको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति देखिए, पहला दिया है तत्रो सित्वा खालिस्तान प्राप्य स्यावा, तो इसमें क्या जाएगा, स्वास्थ्यम। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या दिया है, तस्योत्तरास्याम दिशि तिष्ठति, यानी कि उसकी उत्तर दिशा में कौन है, हिमालय, तो सेकंड वाले में क्या जाएगा, हिमालय। उसके बाद देखिए थर्ड वाला, आधुना तवम कुत्र गमिष्यति, तो आधुना इसमें थर्ड वाले में क्या जाएगा, ग्रीष्म अवकाशे, मतलब कि गर्मियों में। उसके बाद फोर्थ वाला देखिए, तत्रापि बच्छामि, तत्रापि बच्छामि, इसमें क्या जाएगा, कुशलम। उसके बाद देखिए निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, इसमें देखिए अयम शैलम भारतवर्षस्य अलंकार भूता अस्ति, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो अयम शैल ये तो यही रहेगा क्या, अयम। उसके बाद शैलम की जगह क्या हो जाएगा, शैला भारतवर्षस्य अलंकार भूता अस्ति। उसके बाद सेकंड देखिए, तत्रापि अहम कुरुत बच्छति, तत्रापि बच्छति की जगह क्या हो जाएगा, बच्छामि। उसके बाद देखिए अहम किव गमिष्यसि, इसका क्या हो जाएगा, गमिष्यसि की जगह क्या हो जाएगा, कुत्र। उसके बाद फोर्थ देखिए, तवम भगवता कृपया कुशली अस्मि, तो तवम की जगह क्या हो जाएगा, अहम। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, पत्र मिद्दम का कस्मे लिखती, तो मतलब किस, इसमें पत्र में किसने किसको लिखा है। ठीक है, तो पत्र मिद्दम घनश्याम अजस्य लिखिता, यानी कि इस पत्र को घनश्याम ने किसको लिखा है, अजय को लिखा है। ठीक है, पत्र मिद्दम घनश्याम अजस्य लिखित, यानी कि इस पत्र को घनश्याम ने किसको लिखा है, अजय को लिखा है। उसके बाद ये कश्मीरस्य उत्तरस्याम का तिष्ठता, कश्मीर के उत्तर में क्या है, कश्मीरस्य उत्तरस्याम पर्वतराज हिमालय तिष्ठति, तो कश्मीर के उत्तर में क्या है, हिमालय विद्यमान है। उसके बाद थर्ड देखिए, तत्र कानी कानी वस्तुनी मिलंती, यानी कि कश्मीर में कौन कौन सी वस्तु मिलती हैं, औषधीय प्रस्तरा उत्तमम काष्ठम रत्न प्रवर्तिनी वस्तुनि मिलंती, यानी कि औषधि पत्थर और उत्तम प्रकार की लकड़ी रत्न आदि वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ देखिए, तर्त गमनेन आवयो किम भविष्यसि, तो इसका क्या हो जाएगा, तत्र गमनेन आवयो महान ज्ञान लाभो भविष्यसि, यानी कि हम वहाँ जाएंगे तो क्या हुआ,
तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तत्र गमनेन आवयो महान ज्ञान लाभो वहस्यसि। यदि हम वहाँ जाएंगे तो बहुत ज्ञान लाभ भी होगा और स्वास्थ्य लाभ भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा चैप्टर पूरा होता है। ठीक है, इससे आगे की क्लास में अब मिलते हैं हम।